में। इस वीडियो में आज आप ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट स्किन केयर, बट उससे पहले आप सबके लिए मेरा पहला सवाल, डू यू नो योर स्किन? क्या आप अपने स्किन को जानते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक अबाउट स्किन। स्किन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीलेयर ऑर्गन और हम सबके स्किन में होती है थ्री डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। सेकेंड लेयर इज डर्मिस जिसमें होते हैं सेल्स एंड टिश्यूज जो स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे स्किन को। थर्ड लेयर इज हाइपोडर्मिस जिसमें होते हैं फैट सेल्स। सो जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे एपिडर्मिस लेयर में काफ़ी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सो 30s में हमारी स्किन जितनी हेल्दी रहती है, जब हम स्टेपिंग करते हैं 40s या 50s में, उस समय हमारे स्किन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर करते हैं लाइक मॉइस्चर लॉस, ड्राइनेस, इचिंग, रेडनेस एंड मेनी अदर स्किन केयर कंसर्न्स। अब इन सारी चीज़ों से अगर हमें केयर लेनी है तो सबसे पहले हमें यूज करना है प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट, बट उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है टू नो योर स्किन टाइप। सो बेसिकली देयर आर फोर डिफरेंट स्किन टाइप। सो द फर्स्ट इज द ड्राई स्किन जहाँ पे मॉइस्चर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू अदर स्किन टाइप। सेकेंड इज द ऑयली स्किन जहाँ पे ओवरऑल फेस में ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा रहती है। थर्ड स्किन इज द कॉम्बिनेशन स्किन जहाँ पे टी जोन में ऑयल सिक्रीशन ज्यादा रहती है और सी जोन जो है वो बेसिकली ड्राई रहती है। फोर्थ इज द नॉर्मल स्किन टाइप जो बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है, लाइक आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट सपल एंड नेचुरली ग्लो करती है थ्रू आउट द डे बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो जब आपको अपनी स्किन टाइप पता होती है, अब आपको ये भी पता करना जरूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नली एंड इंटरनली आपके स्किन को इफेक्ट करती हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल मींस आप कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, कितने लीटर पानी पीते हैं, वो सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रह सकती है। सेकेंड फैक्टर स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो विजिबल होते हैं हमारे स्किन पे। थर्ड फैक्टर इज पॉल्यूशन जिससे बचने के लिए हमारे पास काफी सारे एक्सटर्नल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। फोर्थ इज द डाइट, इसका मतलब आपके डाइट में क्या सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स हैं या नहीं, क्या आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं या नहीं, बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। फिफ्थ आर द अल्ट्रावायलेट रेज जिससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए सनस्क्रीन। एंड सिक्स आर द हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स जिसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन में बहुत सारे डैमेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। So, कैसे आप अपने स्किन को इन सारे फैक्टर्स से बचा सकते हैं, बिकॉज अगर ये फैक्टर्स रेगुलर बेसिस पे आपके स्किन को इफेक्ट करेगी तो बहुत सारे स्किन डैमेजेस आपके स्किन में विजिबल होंगे लाइक पिगमेंटेशन, एक्ने, अर्ली एजिंग, ड्राई लाइंस, रेडनेस एंड रिंकल्स। अब इन स्किन डैमेजेस से बचने के लिए आपको स्किन की केयर करनी जरूरी है। और स्किन की केयर आप कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग करेक्ट स्किन केयर रिजीम। सो बिफोर वी स्टेप इनटू करेक्ट स्किन केयर रिजीम, चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास श्लोका की जो रेंज है वो किस तरीके से हमारी डेली स्किन केयर नीड्स को मीट कर सकती है। सो श्लोका जो हमारी ब्रांड है वो बेसिकली हैज बीन डेवलप्ड फॉर डेली स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज जो इंडियन रूट्स है, बट क्वालिटी जो है उसकी वो इंटरनेशनल स्किन केयर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की तरह है। इन प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट की गई है फ्रांस में और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंडर इन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की गई है। हर एक प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज की गई है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और हर एक प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं आपको मिलती है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 steps हैं जो रेगुलर आप फॉलो करके आपके स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकेंड स्टेप इज टोनिंग, थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट, फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज प्रोटेक्शन। अगर इन 5 steps को हम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग को यूज करें तो डेफिनेटली हम सब अपने स्किन को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं।